हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जनाब, आपकी दुआओं से। तो टाइम कम और मुकाबला सख्त है आज। मैं यहाँ बना रही थी जी खीर, कह लें कि इंस्टेंट खीर बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और साथ बना रही हूँ मैं जी चिकन का शाही कोरमा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। राइस ले लिए हैं हमने, यहाँ चॉपर में डाल दिए हैं क्योंकि मुझे टूटा हुआ चावल चाहिए था। तो जैसे वो टोटा चावल होते हैं, अगर नहीं है तो आप जो ये बासमती राइस है इनको चॉपर में डाल के तो आप इनको थोड़ा सा चॉप कर लें, तोड़ लें इनको थोड़ा सा। तो ये इस तरह के चावल चाहिए होंगे हमें यहाँ पे कि हमारी खीर जो है वो जल्दी बन जाए, क्योंकि चावल बॉयल होंगे, चावल बॉईल होंगी उनकी जो स्टार्च होगी उसके साथ जो है वो थिक हो जाएगा मिल्क जो है। तो मैंने यहाँ मिल्क लिया है 2 लीटर का, 2.5 लीटर मिल्क लिया था मैंने। आधा लीटर मिल्क जो है वो मैंने अलग कर लिया है और 2 लीटर मिल्क जो है उसको मैं बॉईल करूँगी। और साथ ही मैंने इसमें चावल डाल देने हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, जो ऊपर मैंने किए हैं पीसेस किए हैं उनके, तो वो डाल दूंगी मैं इसमें। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 कप जो है वो शुगर ली है, ग्रीन कार्डमम है, ज़ाफ़रान है, इन सब चीज़ों को डाल के और आप इनको बॉईल होने दें अच्छे से। और जो सेपरेट मिल्क किया था 1/2 लीटर का, उसमें मैंने 6 बड़े चम्मच जो है खाने के और वो डाला है जो मैंने राइस पाउडर। राइस पाउडर के साथ ये है कि खीर का एक तो टेस्ट आ जाता है और दूसरी थिक हो जाती है जल्दी, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे। अगर राइस पाउडर आप नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इसमें सेमोलिना डाल सकते हैं, उसके साथ भी जो सेमोलिना की खीर है, कैरेट भी डलती है उसमें, वो भी बहुत मज़े की बनती है। हमारे जानने वाले हैं, उनके घर पे खाई थी तो उनसे रेसिपी पूछी मैंने, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँगी किसी दिन। तो खीर हमारी देखिए जी रेडी हो गई है यहाँ पर, और इसमें आपने डाल देने हैं जी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है। तो बस आप इसे ढेर सारे ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करें और आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें और इन्जॉय करें ठंडी ठंडी खीर। और चलते हैं अभी जी शाही कोरमा की तरफ। लिया है जी मैंने यहाँ पे 2.5 किलो, 2.5 या 3 किलो चिकन है उसके लिए ली है जी मैंने यहाँ पे कर्ड, उसका जो पानी है वो भी मैंने डाल दिया है इसमें, और कोरिएंडर पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, क्यूमिन पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला है। और ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये बनाया है जो मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर, जिसमें लिया है मैंने आमंड्स लिए हैं मैंने 10-12 कह लें 12 से 15 आमंड्स हैं, और कैशू नट्स हैं जिसमें। अगर आप कैशू नट्स नहीं डालना चाह रहे हैं तो पॉपी सीड्स जो हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और मैंने बनाया है जी यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं टमाटर, और लिए हैं प्याज 2 मीडियम साइज़ के। साथ ही मैंने हरी मिर्ची डाल के इन सब को ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट भी इसमें डाल के थोड़ा सा लेमन डालें, थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इसको अगर आप रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए तो रख लें, अदरवाइज 2-3 घंटे के लिए रख लें और मैरिनेशन के लिए, और बस आप इसे कुक कर लें। अनियन हमने चॉप कर लिए हैं, अनियन हमको चाहिए हैं जी ब्राउन किए हुए। तो तेल जब आपने अनियन ब्राउन करने होते हैं तो आप गरम तेल में डाला करें ताकि अनियन जो है ना वो अच्छे से ब्राउन हो जाए, या फिर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं उसके साथ भी, बड़े अच्छे ये देखें बड़े क्रिस्पी से और बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है इसमें, तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसी ऑयल में हमने डाल दिया है जी थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें नहीं है मैंने सिनेमन स्टिक, कार्डमम है, ब्लैक कार्डमम है, क्लोव्स हैं और ब्लैक पेपर है। ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए तो आपने इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डाल देना है, और याद रहे कि आपने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि मसाले जो भी हमने डाले हैं वो सब अपना पानी छोड़ेंगे तो ये उसी में पक जाएगा। और बर्तन को आपने अच्छे से साफ़ कर देना है क्योंकि बड़ा कहने के महंगा मसाला है ये, और आपने इसका कहने के एक दाना या एक बूंद भी ज़ाया नहीं करनी। और अनियन जो हमने लिए हैं जनाब
उनको हम हाथों की मदद से जो है ना उनको क्रश कर लेंगे। आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, अगर आप पेस्ट बना देंगे तो आपके कोरमे में वो जो दानेदार सा वो होता है इसका इसकी ग्रेवी होती है वो टेक्सचर नहीं आएगा आपके कोरमे में। तो ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया है चिकन ने और जो भी मसाले हमने डाले थे। साथ ही हमने लिए हैं जी आमंड्स लिए हैं, उनको बॉईल करके उनको पील कर दिया है। ग्रीन चिली ली है और जो अनियन हमने ब्राउन किए थे उनको हमने क्रश कर दिया है। ऑयल ऊपर आने पे आपने क्या करना है, जो अनियन है वो डाल देने हैं। अनियन डालने के बाद आपने इसमें डालनी है जी थोड़ी सी क्रीम और आपने इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख देना है। हाँ जी, खुशबू के लिए मैंने इसमें डाला था जी लास्ट में थोड़ा सा जो कोरमा मसाला होता है पैकेट वाला, आधा चम्मच एक चम्मच आप भर के जो है वो डाल दें। उसके साथ क्या है कि बड़े मज़े की खुशबू आती है कोरमे की, जो जैसे वो देगी कोरमे होते हैं कोरमा होता है उस तरह की खुशबू आती है और बड़े मज़े का लगता है ये। तो यहाँ पे चखना चखाना भी चल रहा था हमारा साथ साथ ही। तो ये देखिए जी कितना मज़े का और कितना प्यारा लुक आया है हमारे कोरमे का, बिल्कुल वही जो शादियों में बनाया जाता है शाही कोरमा, बिल्कुल वही लुक आया है और टेस्ट भी बिल्कुल वही था, बहुत मज़े का बना था। ये मैं नहीं कहती हूँ भाई, मैं आप कहेंगी क्या, मैं खुद क्या कहने के अपने मुंह मियाँ मिठू बनती हूँ भाई, ये सब कहते हैं। तो आपको किसी दिन सबसे भी मिलवाएंगे और आपको फिर आइडिया होगा कि हाँ जी खाने बड़े मज़े के होते हैं। आप तो पता नहीं ट्राई करते हैं या नहीं करते हैं। एनीवे तो ये देखिए जी कोरमा हमारा रेडी है, साथ में आपने डाल देनी है जी थोड़ी सी इसमें कुकिंग क्रीम और डाल देना है घी और आपने इसको ढक के रख देना है। इस स्टेज पे अगर आप इसको कोयले की भाप देना चाहें, स्टील देना चाहें या वो फ्लेवर देना चाहें कोयले वाला, तो इस स्टेज पे आप वो भी दे सकते हैं। और लीजिए हमारा मज़ेदार सा शाही कोरमा रेडी है। हम इसको डालते हैं जी बर्तन में और ऊपर से करते हैं इसको गार्निशिंग। और याद रहे कि जो हमने अनियन ब्राउन किए थे थोड़े से हमने इसमें डाले हैं और थोड़े से हमने गार्निश करने के लिए साइड पे रख दिए हैं। तो जनाब ये काम कर रहे हैं हमारे मियाँ हजूर। हमारे मियाँ हजूर का कहने के किचन में बड़ा पार्टिसिपेट रहता है, बड़ी क्या कह लें हेल्प मिल जाती है हमें बहुत सारे कामों में। तो खाना जा रहा है जी जो हमने टिफ़िन में डाला है, हमारे बच्चों के मामू रहते हैं यहाँ पे, फिर उनके फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ से जब फरमाइशी प्रोग्राम चलता है तो फिर हम खाना बना के वहाँ भेजते हैं। आज मीठे की भी फरमाइश आई थी कि बाची काफ़ी दिन से हमने मीठा भी नहीं खाया तो कुछ मीठा भी बनाइएगा। तो फिर हमने साथ खीर बनाई और साथ बनाया शाही कोरमा। इसको गार्निश कर रहे हैं जी हम ग्रीन चिली से और जो आमंड्स हैं और जो हमने अनियंस ब्राउन किए थे और धनिया तो आपको पता है कि पाकिस्तानी खानों में मस्ट होता है, इसके बगैर तो कहने के खानों में रौनक ही नहीं लगती हमें। धनिया डाल दिया है ढेर सारा हमने और हम इसको गार्निश करेंगे जी, थोड़ी सी क्रीम भी डालेंगे इसके ऊपर कि बड़े मज़े का लुक आ जाए इसका। तो ये देखिए जी हमारा खाना तैयार है, थोड़ा सा हमने अपने घर के लिए निकाला है और बाकी जो खाना है वो हम भिजवा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको शाही कोरमा और इंस्टेंट खीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।